खबर दिन भर में हूं शेख जो रुक करते हैं दिन भर की तमाम बड़ी खबरों की ओर। देश बदलते समय के साथ साथ तकनीकी रूप से भी आगे बढ़ने लगा है। ऐसे में सुप्रीम कोर्ट के निर्देश अनुसार राजस्थान हाईकोर्ट भी पेपरलेस होने की ओर कदम बढ़ा रहा है। राजस्थान हाईकोर्ट ने पहले भी 1 जुलाई से ई फाइलिंग को अनिवार्य करते हुए पेपरलेस की दिशा में आगे बढ़ने का प्रयास शुरू कर दिया है। राजस्थान हाईकोर्ट के मुख्य न्यायाधीश MM श्रीवास्तव और वरिष्ठ न्यायाधीश डॉक्टर पुष्पेंद्र सिंह भाटी लगातार राजस्थान हाईकोर्ट को पेपरलेस बनाने के लिए कोशिश कर रहे हैं। विधानसभा की कार्रवाई शुरू होने के साथ ही प्रश्नकाल में सबसे पहले विधायक चंद्रभान सिंह चौहान ने महाविद्यालयों में रिक्त पदों का मुद्दा उठाया। जवाब में डिप्टी CM प्रेमचंद बेरवा ने कहा कि विधा संभल योजना के तहत वैकेंसी निकाल रखी है, इसके बाद रिक्त पदों को भर दिया जाएगा। चंद्रभान ने कहा कि कुछ कॉलेजों में एक भी शिक्षक नहीं है। मंत्री ने कहा कि कोई भी जीरो पद नहीं रहेगा, व्यवस्था कर दी जाएगी। राजस्थान विधानसभा अध्यक्ष वासुदेव देवनानी ने सदन में कृषि मंत्री के नहीं आने की सूचना का पत्र विधानसभा में सदस्यों के समक्ष प्रस्तुत किया। सदन को बताया गया कि करोड़ीलाल मीना निजी कारणों के चलते बजट सत्र में सदन में उपस्थित नहीं हो पाएंगे, जिस पर नेता प्रतिपक्ष टीकाराम जूली बोले कि सदन को बताया जाए कि आखिरकार करोड़ीलाल मीना के विधानसभा में नहीं आने के पीछे क्या वजह है, सदन में इस पर चर्चा होनी चाहिए। राजस्थान के पूर्व डिप्टी CM सचिन पायलट ने टोक में मीडिया से बात करते हुए उपचुनाव को लेकर बड़ा दावा किया। पायलट बोले कि इतिहास गवाह है, उपचुनाव में हमेशा कांग्रेस ने जीत हासिल की है और हम सभी 5 सीटों पर उपचुनाव जीतेंगे। हम पूरी ताकत से लड़ेंगे और हर सीट पर बेहतर उम्मीदवार उतारेंगे। राजस्थान में छात्र संघ चुनाव की मांग को लेकर विरोध दिन पर दिन बढ़ता जा रहा है। शुक्रवार को राजस्थान यूनिवर्सिटी में बड़ी संख्या में छात्रों ने प्रदेश में फिर से छात्र संघ चुनाव बहाल कराने की मांग को लेकर पैदल मार्च निकाल विरोध प्रदर्शन किया। इस दौरान पुलिस ने जहां प्रदर्शनकारियों को रोकने के लिए मुख्य दरवाजा बंद कर दिया, वहीं प्रदर्शनकारी छात्र मुख्य दरवाजे पर चढ़कर बाहर जाने की कोशिश करने लगे, जिन्हें पुलिस ने हल्का बल प्रयोग कर खदेड़ प्रदर्शनकारी छात्र को हिरासत में ले लिया। अलवर के भाजपा अल्पसंख्या मोर्चा के सदस्य यासीन खान पर करीब 8 बदमाशों ने जयपुर से अलवर आते समय कोटपुतली बहरोड के विजयपुर गांव के पास उनकी गाड़ी को रोककर हमला कर दिया, जिसमें यासीन खान गंभीर रूप से घायल हो गए थे, जिसके बाद इलाज के लिए उन्हें जयपुर के सवाई मानसिंह अस्पताल में रेफर कर दिया, लेकिन ज्यादा खून बहने की वजह से उनकी मौत हो गई। सवाईमाधोपुर के एंटी करप्शन ब्यूरो यूनिट ने आज जलदाय विभाग के सहायक कार्यालय में ट्रैप की कार्रवाई को अंजाम दिया। SCB के टीम ने जलदाय विभाग के सहायक कार्यालय में कार्यरत वरिष्ठ सहायक हरिओम गोयल को 10,000 रुपए की रिश्वत लेते हुए रंगो हाथ गिरफ्तार किया है। बता दें SCB के अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक सुरेंद्र शर्मा के नेतृत्व में पूरी कार्रवाई को अंजाम दिया गया। झलावाड़ से दलित किशोरी को ब्लैकमेल कर दुष्कर्म करने का मामला सामने आया है। आरोपी युवक वसीम पर आपत्तिजनक वीडियो बनाकर दहेज शोषण का आरोप लगाया है। आरोपी युवक वसीम किशोरी का कुछ सालों से लगातार यौन शोषण कर रहा था। दलित युवती ने पेनवार थाने में मामला दर्ज करवाया है। पीड़िता ने वीडियो जारी कर पुलिस से न्याय की गुहार लगाई है। वही कार्रवाई की मांग को लेकर हिंदू संगठनों ने IG पुलिस को ज्ञापन भी दिया है। दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को शराब घोटाले से जुड़े मनी लॉन्ड्रिंग मामले में सुप्रीम कोर्ट से शुक्रवार को अंतरिम जमानत मिल गई है। इससे आम आदमी के नेता उत्साहित और खुश नजर आ रहे हैं। केजरीवाल को जमानत मिलने पर आम आदमी पार्टी सरकार में मंत्री आतिशी ने प्रेस वार्ता कर BJP पर निशाना साधते हुए कोर्ट के फैसलों को सत्य की जीत बताया है। दिल्ली सरकार में मंत्री आतिशी ने केजरीवाल को जमानत मिलने पर एक्स हैंडल पर ट्वीट कर लिखा, राउस एवेन्यू कोर्ट के बाद आज सुप्रीम कोर्ट ने भी अरविंद केजरीवाल को जमानत दे दी। इससे यह साबित हो गया है कि शराब घोटाले की जांच पूरी तरह फर्जी है और ये BJP का षड्यंत्र है। ये दिल्ली वालों के काम को रोकने की भाजपा की साजिश है। तभी जनता द्वारा चुने हुए मुख्यमंत्री को फर्जी केस में बिना सबूत जेल में डाल दिया। BJP को पता था कि ED के केस में राउस एवेन्यू कोर्ट के बाद अरविंद केजरीवाल को सुप्रीम कोर्ट से भी जमानत मिल जाएगी, इसलिए अपने एक और राजनीतिक हथियार CBI से सुनवाई के एक दिन पहले उन्हें गिरफ्तार करवा दिया। आज खबर दिनभर में इतना ही। दिनभर की तमाम खबरों के साथ आपसे फिर रूबरू हूँ। शुक्रिया।